गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए गोभी का पराठा, जो कि बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। तो आपका कौन सा फेवरेट पराठा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैंने एक कप पूरा आटा लिया है और करीबन एक कप आटे में आप समझ लीजिए 7-8 रोटियां पराठे आराम से बन जाएंगे। तो अब टाइम आता है इसको अच्छे से गूंथने का। तो पराठा बनाना अगर आपको अच्छे से सॉफ्ट बनना है तो सबसे पहले आपको आटे को बहुत ही अच्छे से गूंथना है, क्योंकि आटा आप जितना अच्छा और सॉफ्ट आटा गूंथेंगे आपका देखिएगा पराठा उतना ही स्मूथ बनेगा। अच्छे से कद्दूकस करना है। तो कद्दूकस करने के लिए आप याद रखिए, आप रखिएगा कि आपको ऐसे का एक ठो कद्दूकस करने के लिए, ग्रेट करने के लिए लेना है, क्योंकि अगर इसको आप मोटा करेंगे तो इसका वो पराठा उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो अभी आप देख ही सकते हैं कि जो गोभी को है उसको इस तरह एकदम से फाइन कद्दूकस करना है, ताकि जो आपका जो पराठा हो एकदम से क्रिस्पी सॉफ्ट बने। तो अगर आप जितना इसको फाइन करेंगे आप देखिए तो आपका वो जो गोभी का पराठा बनेगा वो साइड से निकलेगा, स्टफी होगा, वो एकदम से परफेक्टली होगा। तो अभी आप देख ही पा रहे हैं कि हमारा जो गोभी है वो इतना फाइन हुआ है। तो अब हम इसका स्टफी रेडी करते हैं। तो कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है। अब हम इसमें अपना जो स्टफिंग है वो करना चाहेंगे। मोस्टली क्या करते हैं, वैसे तो थोड़ा बहुत मतलब इसको जैसे कि मैं अभी जो भून के बना रही हूँ ये मेरा टोटल वर्जन है, आप चाहो तो मतलब इस तरीके से ट्राई कर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने पैन में लिया है तेल। तेल लेने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, फिर इसमें हम ऐड करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने मतलब मोस्टली वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत कच्चे वाला जो करते हैं स्टफिंग वो वाला खाया है, और बट एक बार फिर से मैंने ट्राई किया था थोड़ा सा उसको भून के बनाने का, बट मैंने उसका देखा कि इसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। तो गिव इट ए ट्राई, यू विल लाइक इट। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं हमारा जीरा, थोड़ा सा सौंफ, फिर हम ऐड करते हैं इसमें थोड़ा सा हींग। अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। ये सिर्फ आपके जो स्टफिंग को सिर्फ कलर देगा, ना कि स्पाइसी बनाएगा। फिर हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा हल्दी। अब हम इसमें अपने जो गोभी को जो मैंने फाइन कट किया है अब हम इसको इसमें वो ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करते हैं थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लास्टली थोड़ा सा गरम मसाला। तो अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड करते हैं। ये जो गोभी का आप जो भुनना है, ये और एक चीज़ भी इसमें मैं आपको एक ट्रिक देना चाहूँगी, अगर आप इसे भून के बनाते हैं ना तो गोभी का जो पानी होता है ना वो ऑलरेडी सूख जाता है। तो जब आप स्टफिंग करोगे ना तो उसका जो सॉरी जब आप फिलिंग करोगे ना उसका, तो वो साइड से निकलेगा नहीं। ये इसमें एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। फिर दूसरा ट्रिक आपको यहाँ पे एक बताना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा गोभी में और भी थोड़ा सा भी वेट नज़र आ रहा है तो आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हो। सो लुक एट द कलर, आपको मैं इसका एरोमा मतलब बता नहीं सकती हूँ कि कितना अच्छा इसका एक एरोमा आ रहा है। जो जो फीलिंग जाएगा ना तो अपने आप मुंह में पानी आने वाली है। तो गिव इट अ ट्राई। तो चलिए अब हम इसका पराठा बनाते हैं। तब तक इसको क्या करते हैं, थोड़ी सी देर के लिए इसको रूम टेम्परेचर पे आप रख दीजिए, ताकि रूम टेम्परेचर पे रखकर ये रहेगा तो थोड़ा सा ठंडा होगा। उसके बाद अगर आप इसका फीलिंग करोगे ना तो देखिएगा मतलब जो पराठा है ना बहुत ही अच्छा बनेगा। तो अभी आप देख ही पा रहे होंगे कि हमारा जो आटा है वो कितना सॉफ्ट हुआ है। तो चलिए अब हम इसका एक एक करके इसकी फिलिंग करते हैं। तो चलिए अब हम इसकी फिलिंग रेडी करते हैं। इसका एक ही चीज़ है, आपको जो क्या है जो किनारा है उसको पतला रखना है और जो बीच का है उसको थोड़ा मोटा रखना है, ताकि जो आपका जो फिलिंग होगा वो स्टफिंग जो अच्छे से बाहर ना निकले। तो अब आप इसको ऐसे हैंड पे लीजिए। अब हमारी जो पुडिंग है उसको हम ऐड करते हैं।
देखिए अब हम इसको ऐड किया। अब आप इसको जैसे मोदक के लड्डू जैसे बनते हैं उसको जिस तरह फोल्ड करते हैं उसी तरह इसको भी एकदम अच्छे से सॉफ्टली नरम हाथ से इसको अच्छे से फोल्ड करना है। तो इसी तरह हम सारे के सारे स्टफिंग्स अब रेडी करेंगे। तो चलिए अब हम इसका अच्छे से इसकी जो स्टफिंग जो था उसको मैंने अब भर के अब इसको अच्छे से अब इसका पराठा बनाना चालू करते हैं। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो स्टफिंग है कितना अच्छा हुआ है कि कहीं से भी आप निकल नहीं रहा है। तो आपको इसी तरह इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे रख के आपको बनाना है, देखिएगा आपका भी स्टफिंग एकदम भी नहीं निकलेगा। तो चलिए अब हम इसका पराठा बनाते हैं। हमने गैस पे तवा रख दिया है और तवा गर्म भी हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे जो पराठे, तो उसको थोड़ा सा रोस्ट होने दीजिए, उसके बाद हम अब इसको फ्लिप करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो चलिए अब हम इसको दूसरी तरफ फ्लिप करते हैं। आप इस पर चाहो तो आप ऑयल या फिर घी जो आपको सही लगे आप यूज़ कर सकते हो। मैंने इसमें घी यूज़ किया है, तो इसको थोड़े हल्के हल्के हाथों से इसको अच्छे से घी में सेकते हैं। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करते हैं, दूसरी तरफ फ्लिप करते हैं। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरह उसको अच्छे से करना है। अब आप देखिए कि जो हमारा जो पराठा है कितना ही क्रिस्पी लग रहा है और उसके साथ साथ देखिएगा कितने सॉफ्ट भी बने हैं, वो आपको मैं थोड़ी देर में ही दिखाती हूँ। बट क्रिस्पी तो बहुत ही अच्छा बना है और साइड से भी आप देखिए एकदम भी इसका स्टफिंग आउट नहीं हुआ है। तो गिव इट अ ट्राई अगेन एंड अगेन सेइंग इट, दिस प्रोसेस में आप ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा आपका भी स्टफिंग एकदम भी नहीं निकलेगा। तो चलिए अब इसको हम सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं। अभी आप देख ही पा रहे होंगे कि हमारा पराठा कितना टेस्टी बना है, कितना अच्छा इसका क्रिस्पी कलर आया है। तो गिव इट ए ट्राई, होपफुली आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।